उसे कैसे हैं लोग दोस्तों, जैसे आपको पता है कि कुछ दिनों से फेसबुक पर जो ना प्रोफाइल फ्रेम अपलोड नहीं हुआ, तो दोस्तों इस पर मैंने एक डिटेल सी वीडियो बनाई थी कि मतलब ये जो ना अपलोड क्यों नहीं हो रहा है और क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई फेसबुक से जो ना इसको मतलब डिसेबल कर दिया गया है या लिमिटेड कर दिया गया है इस फीचर को। तो दोस्तों वो जो ना मैंने उस वीडियो में कम्प्लीटली बताया था और जो भी फेसबुक की तरफ से जो रेस्पॉन्स आया है इस फ्रेम के बारे में वो भी मैंने उस वीडियो के अंदर जो ना आपको दिखाया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें सारा डिटेल में मैंने बताया कि ये जो ना फ्रेम क्यों नहीं अपलोड हो रहा। दोस्तों उस मतलब वीडियो अपलोड करने के बाद बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे कि मतलब अब जो है ना ये फीचर इसको मतलब लिमिटेड कर दिया गया है, अब जो है ना आगे इसको ज़्यादा बहुत सारे लोग जो है ना वो यूज़ नहीं कर सकते, इसको सिर्फ जो है ना कोविड मतलब हेल्थ के लिए और वाटर के लिए और जो है ना क्लाइमेट साइंस के लिए फ्यूचर में जो है ना ऐड किया जाएगा, मतलब वही जो है ना इस फीचर को जो यूज़ कर सकते हैं, मतलब फ्रेम वही अपलोड कर सकते हैं, बाकी जो है वो नहीं कर सकते। तो ज़्यादा उस वीडियो में आपको डिटेल मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों उस वीडियो अपलोड करने के बाद बहुत सारे लोग जो है ना वो कमेंट कर रहे थे उस वीडियो पर कि मतलब इसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव जो है ना बताएं, सॉल्यूशन बताएं कि मतलब अगर हमें कोई भी फ्रेम अपलोड करना हो तो मतलब कैसे करें, उसका जो है ना एक कम्प्लीटली ऐसा जो है ना हमें सॉल्यूशन बताएं। तो दोस्तों आज मैंने सोचा कि मतलब क्यों ना मैं अपनी आइडियंस के साथ ये जो है ना ये सॉल्यूशन इसका शेयर कर दूं। दोस्तों बहुत सिंपल है और बहुत आसान है और दोस्तों बहुत अच्छा सॉल्यूशन है इसका। तो क्योंकि मैंने कभी कभी मैं भी यूज़ करता हूँ, तो मतलब अभी जैसे भी ये डिसेबल हुआ है ऑप्शन तो मैं भी इसका यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों बहुत इजी है। अब अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को लाइक करें जैसे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों अब बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है ना कैसे वर्क करेगा। अभी आ गया हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो अब आप को क्या करना है, सिंपल जो है ना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद दोस्तों ये जो है ना साइट जो है ना ओपन कर लेनी है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने ऑलरेडी आपके सामने ओपन कर रखी है। तो उसके बाद ओपन करने के बाद आपको जो है ना इसको साइन अप करनी है। साइन अप आप इसको फेसबुक से भी कर सकते हो चाहे गूगल से भी कर सकते हो, जिससे भी आप करना चाहते हो उससे कर सकते हो। करने के बाद तो फिर आपको क्या करना है मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। अभी मैंने जो है ना इसको साइन अप कर लिया है। तो अब जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ बहुत सारे लोग इसको जो है ना यूज़ करते हैं मतलब प्रोफाइल फ्रेम के लिए, तो वो फ्रेम्स जो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखो आपके सामने नीचे ये बाकायदगी से मतलब कैंपियन जो है ना वो हैं, मतलब ये फर्स्ट कैंपियन है और ये देखो ये मतलब सेकंड कैंपेन है। तो अभी इसके जो देखो सपोर्ट्स मतलब कितने हैं 86, ठीक है 86 के, ठीक है। और ये जो है ना 21 के सपोर्ट्स हैं, 63 के सपोर्ट्स हैं। तो दोस्तों बहुत पॉपुलर है और इससे जो है ना बहुत इजीली जो है ना हम फ्रेम जो है ना वो बना सकते हैं मतलब, और बना के जो है ना फिर अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत इजी है। अब मैं आपको बताऊंगा ये जो ना फ्रेम कैसे इस साइड पर जो है ना वो मतलब ये कैंपेन जो है ना कैसे क्रिएट करनी है और आगे इसको मैनेज कैसे करना है, तो वो भी आपको मैं सारा डिटेल बताऊंगा। तो दोस्तों ये देखो दो दिन पहले किसी ने जो है ना ये कैंपेन बनाई है, तो इसके 6 के सपोर्ट्स हो गए हैं। उसके फाइव दिन पहले जो है ना किसी ने बनाई है, तो ये देखो उसके जो है ना 5.8 के हो गए हैं। और नीचे भी बहुत सारे जो आप देख सकते हैं, और ये जो है ना 12 दिन पहले बनाई थी, तो इसकी जो है ना 129 के जो है ना सपोर्ट्स हुए हैं। तो दोस्तों ये अब देख सकते हैं मतलब बहुत जो है ना वो हेल्पफुल है, तो इसलिए जो है ना ये इतने बहुत सारे जो है ना लोग जो है ना यूज़ कर रहे हैं, तो आपके सामने हैं। और अब जो है ना मैं आपको बताऊंगा अब जो है ना इस पे कैंपेन जो है ना वो कैसे क्रिएट होती है और कैंपेन क्रिएट करने के बाद जो है ना ये वर्क कैसे करता है फ्रेम। और ये भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, फीचर, प्राइसिंग, अबाउट, ये दोस्तों बहुत मतलब फ्री में भी है और आप प्राइसिंग में क्लिक करें मतलब इस पर अगर आप प्रीमियम जो है ना वो बाय करना चाहते हैं तो वो भी आप बाय कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आप फ्री में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है ना प्रोफाइल पे क्लिक करना है मतलब इस, और यहाँ पे आपको जो ना ये न्यू कैंपेन और मैनेज कैंपेन, अगर आपके पास पहले ही कैंपेन बनी हुई है तो आपको मैनेज कैंपेन पे क्लिक करना है, उसको कोई एडिट वगैरह करना है, और अगर नहीं बनी हुई है तो आप इसको न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये न्यू कैंपेन पे क्लिक करने के बाद अब जो है
आपको क्या करना है तो दोस्तों, आपके पास ये कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आएगा, मतलब जो आपका नाम वगैरह होगा, तो ये मेरा नेम आ गया है और ये न्यू कैंपेन, मैंने कैंपेन, क्योंकि मैंने पहले जो है ना कोई कैंपेन बनाई नहीं है, तो अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ ये कैसे जो है ना कैंपेन मतलब बनाते हैं। तो सिंपल न्यू कैंपेन पे क्लिक करते हैं। तो न्यू कैंपेन पे दोस्तों क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है और ये लिखा हुआ है एंटर द कैंपेन इन्फॉर्मेशन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको कैंपेन की इन्फॉर्मेशन लगानी है, यहाँ पे जो है ना जो यूआरएल है मतलब उसकी जो है ना वो लगानी है। तो मैं लगा देता हूँ टेक नंद, ठीक है दोस्तों। मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, आपको जो भी अपनी यूआरएल लगानी है, जो यूआरएल आप मतलब आगे यूज़ करोगे वो आपको अपनी लगानी है, ठीक है। उसके बाद कंपनी का टाइटल लगा देना है, तो मैं एज ए मतलब एग्जाम्पल के तौर पर जो है ना टेक नंद लिख देता हूँ। उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन आपको लिखनी है, तो वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो ना टैग वो भी आप लगा सकते हो। फॉर सपोज मैं जो ना टेक्नन सॉरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद टैग नंद, मतलब ये जो है ना कीवर्ड जो भी लोग सर्च करें, मतलब जो भी बंदा सर्च करे तो ना मतलब मेरा जो है ना वो ये कैंपेन है जो वो रैंक में आ जाए, ठीक है। और उसके बाद टैग ट्रिप्स यूट्यूबर, ठीक है दोस्तों। मतलब ये मैंने आर्जी तौर पे लगाई है, आपको अपने मतलब हिसाब से लगाने, जो जिस तरह की आपने जो है ना वो मतलब कैंपेन है उस हिसाब से लगाना है। उसके बाद जो है ना नीचे आना है और यहाँ पे लिखा हुआ है सेटअप द कैंपेन फ्रेम, आपको यहाँ पे जो है ना कैंपेन फ्रेम का जो है वो मतलब फ्रेम जो है वो अपलोड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपका जो भी फ्रेम आपने जहाँ पर सेव करके रखा है उसको जो है ना वहाँ से जो है ना करना है, अपलोड करना है। तो अपलोड दोस्तों करने के बाद ये जो मैंने यहाँ पे सेव करके रखा था तो ये है। तो अब जो है ना क्लिक करना, जैसे ही ये अपलोड होगा तो ये 200 फ्रेम जो है ना वो हो गया अपलोड। उसके बाद नीचे आपको करना है और यहाँ पे जो है आपको पोस्ट कैप्शन जो है ना यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हो मतलब वो लिख सकते हो, जो कैप्शन है वो लिख सकते हो। उसके बाद जो है ना आज स्टार्ट कैंपेन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ये जो है ना अब कैंपेन पे क्लिक करने के बाद अब जो है ना ये कैंपेन मतलब हो गई है, बन गई है, क्रिएट हो गई है। अब आपको इसको यूज़ कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पे जो है ना कॉपी यूआरएल पे क्लिक करना है, यहाँ पे जैसे क्लिक करो तो ये जो है ना कॉपी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, मतलब जितने भी लोग ये मतलब यूआरएल पे क्लिक करेंगे या जितने भी लोग जो है ना इस फ्रेम को यूज़ करेंगे वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे सपोर्ट्स, ठीक है दोस्तों। तो फॉर सपोज मैंने ये जो ना यूआरएल कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। दोस्तों पेस्ट करने के बाद देखो यूआरएल के पीछे नाम जो मैंने यूआरएल बनाई थी वो आ रहा है टेक्नंद, उस पर क्लिक करना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद दोस्तों आपको देखो अब जो है ना ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा दोस्तों, अब ये आपके सामने है, मतलब फ्रेम आपको दिखाई देगा जो मैंने अपलोड किया था। अब जो भी लिंक आप जिस बंदे को भेजोगे उसको जो है ना ये फ्रेम अपलोड मतलब जो आपका फ्रेम है वो जो है ना दिखाई देगा। उसके बाद नीचे चूज़ फ़ोटो का ऑप्शन होगा, तो चूज़ फ़ोटो पे क्लिक करना है दोस्तों। चूज़ फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब देखो आपको जो है ना फ़ोटो चूज़ करना है, जो आप मतलब प्रोफाइल फ्रेम पे मतलब जिस पिक पे आप जो है ना ये फ्रेम जो है ना लगाना चाहते हो वो आपको अपलोड करनी है पिक। दोस्तों मुझे ये जो है ना अपलोड करनी है, आप इसकी जो है ना अरेंजमेंट वगैरह वो कर सकते हो, जैसे भी आपको अरेंजमेंट करनी है तो ये भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब क्या होगा, अब आपको यहाँ पे डाउनलोड इस पिक का ऑप्शन आएगा दोस्तों, ये जो है ना साइड वाली ये जो है ना रिमूव हो जाएगी। तो अब इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ दोस्तों, डाउनलोड ये मेरी जो है ना डाउनलोड हो गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे आप प्रोफाइल जो है ना अपडेट करते हो अपलोड करते हो ऐसे ही आपको यहाँ पे जो है ना वो डाउनलोड पे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये पिक पड़ी है, ठीक है, जो मैंने अभी डाउनलोड की है। तो दोस्तों ये आपके सामने अब देखते हैं कि मतलब ये जो ना वो लोगों कैसे जो ना वो शो होगा। तो दोस्तों इसको आपने थोड़ा सा मतलब इसको मिनिमाइज़ करना है, और मिनिमाइज़ करने के बाद अब देखो ये जो मैंने अपलोड किया था ना फ्रेम मतलब जो मेरी साइज़ थी वो पूरी फिक्स है। अब जैसे मैं उसको अपलोड करूँगा तो ये जो मतलब लोगों को लगेगा मतलब ये मैंने फ्रेम जो है ना वो रखा है। तो अब आप
इस तरीके से जो ना यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग जो इवेंट होते हैं या मतलब बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, चाहे फेस्टिवल होते हैं, मतलब इस तरह के जो लोग यूज़ करना चाहते हैं वो अभी मतलब फेसबुक ने जैसे भी इसको मतलब लिमिटेड किया है फीचर को, तो वो जो ना इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है, मुझे दोस्तों बहुत अच्छा लगा। आपको ये जो ना तरीका कैसा लगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। और अब आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।